ये हर साल की भांति हमने इस साल भी बिठाया है गणपति बप्पा। और जैसे आप जानते हैं कि बप्पा आते हैं तो सुख करता दुख हरता, तो सभी दुख हर लेते हैं वो, और यही उनकी खासियत है। यही और प्रथम पूज्य देव है, तो जब भी आते हैं हमेशा खुशियां ही लाते हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे जितने मित्र हैं जितने दोस्त हैं सबकी जिंदगी में खुशी लाते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे सारे दर्शकों की भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, और सबको मैं गणेश चतुर्थी की और गणपति बप्पा की ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। एक बार मेरे साथ बोले, गणपति बप्पा मोरया। विसर्जन अभी हम लोग बस करने ही जा रहे हैं, 5 दिन का हमने रखा था, और हर दिन हमने चारों चारों वक्त गणपति बप्पा के साथ ही भोजन किया है, उनके साथ ही उठना बैठना। अब जा रहे हैं बप्पा तो बिल्कुल मन दुखी सा लग रहा है, और 100% उनको मिस करेंगे। उनके आप देख रहे होंगे पीछे, उनके स्माइल को मिस करेंगे, उनकी चीज़ों को मिस करेंगे, वो जो उनके साथ बिताया हुआ वक्त है उसको मिस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोगों ने अपने अपने घरों में गणपति बिठाया है वो सभी इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि जब एक बार बप्पा चले जाते हैं तो 2-3 दिन तक घर बिल्कुल खाली लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बप्पा जा रहे होते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा। आज के अवसर पर मैं हर सनातनी को, हर हिंदुस्तानी को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहूंगा। गणपति समथिंग हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग रखता है, स्पेशली जब हम बॉम्बे आते हैं और इंडस्ट्री में होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो बप्पा ही हमारा सहारा रहता है। एंड ये 5 दिन की जो बप्पा की हम आरती करते हैं और 5 दिन बप्पा हमारे यहाँ आते हैं, ये अलग ही अपने आप में एक आई वुड से फीलिंग है, एक एक भाव है, वेरी इमोशनल फीलिंग आई वुड से। ओ विसर्जन एज एवरी ईयर, इस बार भी हम बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। अभी ढोल वाले आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा क्या नज़ारा होने वाला है। 4 से 6 ढोल वाले आएंगे, 30-35 लोग होंगे, सब नाचते हुए यहाँ से वर्सोवा तक जाएंगे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है वर्सोवा यहाँ से बीच, तो वर्सोवा बीच जाएंगे, वहाँ पे पप्पा को विसर्जन करेंगे। धाम से ये त्योहार मनाया जाता है जी। और गणपति पापा जब घर आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, यस। तो आज विसर्जन करना कितना एक्साइटमेंट? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा 4 साल में पहली बार मैं गणपति के यहाँ यहाँ पे आई हूँ, एंड थैंकफुली मैं वो कर पाई हूँ, पॉसिबल हुआ है कि मैं यहाँ पे हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं धूमधाम से गणपति जी को विदा करूँ, क्योंकि ये मेरा पहला गणपति है यहाँ पे मुंबई में। या एज एक्टर? यस यस, आई एम एन एक्टर, मैं गुजराती इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। या सॉरी, मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक सेलिब्रेशन करके मूवी है, तो बस वो ये ईयर रिलीज हो जानी चाहिए। या मोरिया जी। दुख तो बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि जब गणपति जी आते हैं तो इतनी खुशियां अपने घर में लेकर आते हैं, समृद्धि लेकर आते हैं, इतने लोगों को एक साथ लेकर आते हैं, जिससे बात नहीं होती है वो भी हमारे घर में पधारते हैं। सो वो माहौल ही एक अलग होता है, और उनके जाने के टाइम पे तो आंखों में आंसू तो होते ही हैं। मेरे तो कल भी आंखों में आंसू थे, और आज तो अभी फिर विसर्जन होने वाला है, बट मेरे घर पे 10 दिन के गणपति जी बैठे हैं। राज हमेशा से, इतने साल हो गए हैं गणपति जी को बिठा रहा है, उसके यहाँ का माहौल एक बहुत ही अलग होता है। कल एक जगराता रखा था उसने, वो भी बहुत अच्छा था, बट आज हवन वगैरह सब बहुत अच्छा गया। आके बस थोड़ा सैड डे, मतलब इवनिंग होगा, दिन तो बहुत अच्छा था, इवनिंग भी, मतलब सैड इज कि भगवान जी आते हैं तो एक वो बहुत ज्यादा अच्छी खुशी होती है, बट कोई बात नहीं, जब हम बिठाते हैं उनको तो वो हमेशा अपने घर में बैठने के लिए ही आते हैं। सिर्फ एक वो फिजिकली हमको एक मूर्ति के रूप में एक, मतलब सोचा जाता है, वो तो सिर्फ एक दिमाग से सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं यही विश करूंगी कि हम लोगों को, पूरे परिवार को और इस ब्रह्मांड को हमेशा ऐसे ही बस शक्ति दे, खुश रखे और बस प्यार दे। थैंक यू सो मच भगवान जी, बस आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री गणेशा। सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज 5वां दिन था हम लोग का, जस्ट अभी हवन सा चीज़ें हमारी खत्म हुई है,
बड़ी भारी मन से आज हम लोग गणपति बप्पा को विदा करेंगे। हमेशा हर साल हम लोग लेके आते हैं बप्पा को, 5 दिन रखते हैं, और मन तो नहीं है बप्पा को विदा करने का, लेकिन ऑब्वियसली विदा तो करना ही पड़ेगा। जिसको जैसे इस दुनिया का दस्तूर है, जो आएगा कभी ना कभी तो जाएगा, तो उसी थ्योरी के हिसाब से बप्पा भी आए। 5 दिन हमने उनकी जितना अपने से मन बना सेवा पानी किया। आज बप्पा का आखिरी दिन हमारे साथ, तो गलती से ही माफ़, बप्पा जो ऊपर से सब देख रहे होंगे। और सभी को बोलूँगा यार, पप्पा को सेलिब्रेट करो, धूमधाम से सेलिब्रेट करो, जितना हो सके उतना सेलिब्रेट करो, और सनातन धर्म को ऊपर से ऊपर लेके आओ। और गणपति बप्पा मौर्य, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आज 5वें दिन के गणपति विसर्जन होने वाले हैं। आप पूरी जगह देखिए, धूमधाम से गणपति विसर्जन मनाया जा रहा है, और आज हम लोग भी विसर्जन करने जा रहे हैं, तो सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे होंगे और फिर गणपति जी का विसर्जन करेंगे और अगले साल के लिए फिर वेट करेंगे। विसर्जन है 5 दिन का। हाँ जी, कितना दुख है, कितना एक्साइटमेंट? देखिए, दुख तो बहुत है, वो हर साल होता है, ठीक है, क्योंकि एक होता है कि यार वो आ रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं 5, 6, 7 दिन जो भी होता है, और उनकी पूरी सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, एक बच्चे की तरह वो हमारे साथ रहते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो दुख तो होता है ना, और जब वो मेरे घर पे थे ना, तो मतलब जब मैं मेरे घर पे बैठाती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक रात पहले से मेरा रोना शुरू हो जाता है कि कब आओगे, अब वापस कब आओगे, जल्दी आओ, मेरा बस चले तो मैं विसर्जन ना करूँ, पर जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो है, दुख भी है और खुशी भी है। बप्पा जी आए अच्छे से थे, तो जाए भी तो अच्छे से। हाँ जी, थैंक यू। मुझे काफ़ी मतलब वैसा लग रहा है कि कुछ खाली होने वाला है, क्योंकि 5 दिन से पापा जी राज के घर में थे, और ऐसी मतलब मेरे को वैसे ऐसे कभी अटैचमेंट होता नहीं है महसूस, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बट पापा का हमेशा ऐसा रहा है कि लास्ट टाइम मैंने पहली बार अटेंड किया था राज के घर में, एंड काफ़ी लो फील हुआ था जब गए थे, आँखें भर आई थी, और इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, एंड बस अच्छा लगता है।